लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगभग 215 तक पहुंचा था, उसके बाद कल पटाखों को जलाने की जो घटना हुई है उससे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। NCR के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये पटाखे नहीं अगर जलते तो मेरे ख्याल से आज भी दिवाली के बाद भी, जैसे हमने सबने धूमधाम से दिवाली मनाई, आज दिवाली की सुबह दिल्ली की हवा भी साफ सुथरी और होती। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लोगों को बहकाने का काम करती है उसमें ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो हमारे ऊपर ही हो रहा है। 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो किसी ने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे NCR में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पर आज समीक्षा करेंगे।